अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम मुश्ताक फ्रॉम टेक्नो मशहूर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आपका बजट है 20,000 से 30,000 रुपए के दरमियान, जी हां दोस्तों, और आप एक ओप्पो का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं पाकिस्तानी मार्केट में, जी हां दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया कि भाई एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ ओप्पो के स्मार्टफोन पर जो कि 20,000 से 30,000 रुपए की प्राइस में हमें बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत ही कम ओप्पो के स्मार्टफोन बजट रेंज में आते हैं और एंट्री लेवल में, बट फिर भी मैं आपको कुछ ऐसे टॉप 5 स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो कि 20,000 से 30,000 रुपए की प्राइस में पाकिस्तानी मार्केट में आते हैं, जो कि ओप्पो के स्मार्टफोन है। अगर आप कोई ओप्पो का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। आई होप आपको एक अच्छा सा ओप्पो का स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करें ताकि हमारी ऐसी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों आज की मेरी लिस्ट का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल रैंडम है, मैंने कोई रैंकिंग नहीं की। जितने भी स्मार्टफोन आपको बताऊंगा ओप्पो के, उनमें से कोई भी स्मार्टफोन जिस प्राइस टैग में आप खरीद सकते हैं, मतलब आपको पसंद है वो आप खरीद सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पे आप एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो ओप्पो के स्मार्टफोन होते हैं इनमें एज कम्पेयर टू टेक्नो इन्फिनिक्स जो है वो 20,000-30,000 रुपये की प्राइस में वो आपको ज़्यादा स्पेसिफिकेशन दे रहे होते हैं, और ओप्पो के स्मार्टफोन में आपको कम स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती हैं। फिर भी भाई पाकिस्तानी मार्केट में ओप्पो बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कम स्पेसिफिकेशंस के साथ भी ओप्पो के स्मार्टफोन खरीद लेते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की जानब, और यहाँ से मैं दोस्तों मैं कम प्राइस से हाई प्राइस रेंज की तरफ मूव करूँगा, और सबसे सस्ता जो स्मार्टफोन ओप्पो का मैं आपको रेकमेंड करने जा रहा हूँ जो कि दोस्तों है ओप्पो का ओप्पो A11K। जी दोस्तों एक बजट रेंज स्मार्टफोन है, यहाँ पर अगर हम इसमें बात करें 2 GB की रैम, 32 GB की मेमोरी आपको दी जा रही है। प्राइस की बात करें तो 18,999 प्राइस है, और आफ्टर डिस्काउंट ये आपको कुछ 17,500 तक भी मार्केट में ऑफलाइन देखने को मिल जाएगा। अब इसमें दोस्तों अगर हम कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको एक लेटेस्ट सा डिज़ाइन दिया गया है, फ्रंट पे वाटर ड्रॉप नोच है, बैक पर डुअल कैमरा सेटअप है, 13 MP का 2 MP का साथ है, और फ्रंट पर 5 MP की सेल्फी है, बैक पर फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 6.22 inches का एक IPS LCD पैनल है, HD+ के रेजोल्यूशन है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो इसमें 4230 mAh की बैटरी है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे एंड्रॉयड 9 पाई कलर ओएस 6 आपको देखने को मिलेगा, मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे मीडियाटेक हेलियो P22 का प्रोसेसर आपको दिया गया जो कि ओवरऑल एक अच्छा प्रोसेसर है आपका, डेली जो है यूजेज आप इसमें मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपको अच्छा देखने को मिलेगा। गेमिंग भी आप हैवी नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो है वो लो गेमिंग छोटी गेमें आप इसमें ज़रूर से खेल सकेंगे। अगर पबजी की बात करें तो पबजी आप इसमें चला सकते हैं, लेकिन फुल लो जो है वो ग्राफिक्स पे आपको इसमें खेलनी पड़ेगी, पबजी लाइट आप कुछ जो है वो इसमें चला सकेंगे। तो ओवरऑल अगर दोस्तों हम देखें ओप्पो A11K को 17,500 के प्राइस में एक अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आप ओप्पो के लवर हैं तो आप कुछ चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करके भी चाहते हैं कि भाई मुझे ओप्पो का स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, तो आप डेफिनेटली ओप्पो A11K के साथ भी जा सकते हैं। दोस्तों जो अगला स्मार्टफोन ओप्पो का मैं आपको रेकमेंड करने जा रहा हूँ ये दोस्तों ओप्पो A12e, जो दोस्तों अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है पाकिस्तानी मार्केट में, और ये भी दोस्तों अंडर 20,000 अच्छा स्मार्टफोन है अगर आपको ओप्पो का स्मार्टफोन लेना है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें इसकी प्राइस की तो 19,999 यानी 20,000 इसकी प्राइस है, और आफ्टर डिस्काउंट ये आपको कुछ 18,500 पे डेफिनेटली मार्केट में ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अब कुछ स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 3 GB की रैम इसमें दी जा रही है और 64 GB की मेमरी है। ये मेमोरी बिल्कुल ठीक है, रैम भी तकरीबन ठीक है, ओप्पो की तरफ से आपको ऐसी मिल रही है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे फ्रंट पे दोस्तों एक बड़ी सी नोच है, थोड़ी सी बड़ी नोच है, पुराना डिज़ाइन हो जाता है, लेकिन फिर भी आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप ओप्पो के साथ जा सकते हैं। 6.2 inches का एक IPS LCD पैनल है HD+ के रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा बात करें तो बैक पर डुअल कैमरा सेटअप है, 13+2 MP का, फ्रंट पर 8 MP की सेल्फी है। तो ओप्पो के जो कैमराज हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं दोस्तों। इसके अलावा बात करें तो 4230 mAh की बैटरी है, एंड्रॉयड 9 पाया है, कलर OS 6.1 का वर्जन देखने को मिल जाता है, तो आपको एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर, जी हाँ दोस्तों, मतलब आपको अच्छी परफॉर्मेंस इसमें भी देखने को मिलेगी। 20,000 रुपए की प्राइस में अच्छा प्रोसेसर है, छोटी आप जो है वो नॉर्मल गेमिंग भी कर सकेंगे, डेली जो है वो यूजेज आप जो है वो टास्क है आपके, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है, सोशलाइजेशन है, डेफिनेटली आपके ईजी आप इसमें जो है वो कर सकेंगे। तो अगर आपका बजट है कुछ 18,500 तक, आप ओप्पो A12e के साथ जा सकते हैं। कुछ चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करके भी आप ओप्पो के साथ जाना चाहते हैं तो आप ओप्पो A12e के साथ भी जा सकते हैं। अब दोस्तों जो अगला स्मार्टफोन ओप्पो का मैं आपको रेकमेंड करने जा रहा हूँ वो आप समझ लें ओप्पो A12e का ये एक भाई है, ओप्पो A12। जी हाँ दोस्तों,
ओप्पो A12 की दोस्तों अगर हम बात करें तो इसकी प्राइस भी 20,000 है और आफ्टर डिस्काउंट ये भी आपको कुछ 18,500 पे 19,000 पे देखने को मिल जाएगा। अब इसमें दोस्तों बात करें तो यहाँ पे 3GB की रैम और 32GB की मेमोरी दी जा रही है। अब दोस्तों ये जो जितना भी स्मार्टफोन तीन मैंने आपको बताएं ओप्पो A11 के, ओप्पो A12e और ओप्पो A12 आपको बता रहा हूँ, तकरीबन सेम स्पेसिफिकेशन है इनमें, सिर्फ प्रोसेसर इनमें डिफरेंट है, दूसरी तमाम स्पेसिफिकेशन इनमें सिमिलर भी आपको दी गई है। अब इसमें भी ओप्पो A12 में भी आपको बैक पर डुअल कैमरा सेटअप है 13+2 का, फ्रंट पे वाटर डॉप अप्रोच में 5 मेगापिक्सल की सेल्फी है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 6.22 इंच का IPS LCD पैनल है, HD+ के रेजोल्यूशन हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 4230mAh की बैटरी है, एंड्रॉयड 9 है, इसके अलावा कलर ओएस की देखने को मिल जाता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस यानी प्रोसेसर की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे MediaTek Helio P35 का प्रोसेसर आपको दिया गया है, यानी तीनों स्मार्टफोन में प्रोसेसर डिफरेंट है, दूसरी स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलती है। अब दोस्तों MediaTek Helio P35 जो प्रोसेसर है भाई इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, अच्छा प्रोसेसर है, आप इसमें अच्छी गेमिंग भी कर सकेंगे, हैवी गेमिंग तो नहीं कर सकते लेकिन PUBG भी आप इसमें चला सकेंगे। इसके अलावा बात करें तो आपके जो डेली यूजेस, आपके जो डेली टास्क होते हैं, सोशलाइजेशन, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो है वो, इसके अलावा जो भी आप जो है डेली बेसिस में स्मार्टफोन में यूज़ करते हो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा, गेमिंग भी आप कर सकेंगे। तो ओप्पो A12 अगर आपका बजट है 18,500 पे तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं, अगर आपको ओप्पो का ये एक स्मार्टफोन चाहिए तो आप ओप्पो A12 के साथ भी जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपका बजट है 20,000 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब 22-23,000 तक आपका बजट है, तो आप ओप्पो का एक और स्मार्टफोन आता है इस प्राइस टैग में, ओप्पो A31। जी दोस्तों इसकी 22,999 प्राइस है और आफ्टर डिस्काउंट ये आपको कुछ भाई 22,000-21,500 पे डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भाई जब हम ऑफलाइन मार्केट में एक स्मार्टफोन लेने जाते हैं तो इसमें हम काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट 1,000-1,500 का आराम से हम लेकर आते हैं। अब इसमें ओप्पो A31 में आपको 3GB की रैम दी जा रही है, 32GB की मेमोरी दी जा रही है, इसमें भी तकरीबन स्पेसिफिकेशन सेम ही है पिछले स्मार्टफोन की तरह। जी हाँ दोस्तों इसमें भी 6.5 इंच का एक IPS LCD पैनल है, HD+ के रेजोल्यूशन है, वाटर डॉप अप्रोच आपको दी गई है। इसके अलावा बात करें तो बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 12 मेगापिक्सल का मेन लेंस है, 2 का डेब और 2 का एक टेलीफोटो होगा या वाइड एंगल। इसके अलावा बात करें तो फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, बैक पर फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दिया गया। इसके अलावा बात करें 4230mAh की बैटरी है, एंड्रॉयड 9 पाई कलर ओएस 6.1 का वर्जन है, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Helio P35 अगेन 20,000 में भी वही प्रोवाइड कर रहे हैं और 22-23,000 में भी वही प्रोवाइड कर रहे हैं, यही तो ओप्पो की गेम है, तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अगेन जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, गेमिंग भी आप इसमें अच्छी कर सकेंगे, हैवी गेमिंग नहीं बट नॉर्मल गेमिंग आप इसमें ईजिली चला सकेंगे, तो ओवरऑल भी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगा। तो अगर आपका बजट है 22,000-21,000-22,000 तक तो आप ओप्पो A31 के साथ भी जा सकते हैं, अगर आपको भाई एक ओप्पो का स्मार्टफोन चाहिए तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं। दोस्तों जो आखिरी स्मार्टफोन ओप्पो का मैं आपको रेकमेंड करने जा रहा हूं दोस्तों, अगर आपका बजट है 28,000-27,000 रुपए तो इस प्राइस टैग में दोस्तों ओप्पो का A5 2020 बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन आता है। जी हाँ दोस्तों ये स्मार्टफोन करें तो इसमें 3GB की रैम और 64GB की मेमोरी आपको दी जा रही है, और प्राइस की बात करें तो कुछ 27,999 इसकी प्राइस है और आफ्टर डिस्काउंट ये भी आपको कुछ 27,000-26,500 पे देखने को मिल जाएगा। अब इस प्राइस टैग में दोस्तों ये बहुत ही ओप्पो का कमाल का स्मार्टफोन है, इसमें बैक पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, 12 मेगापिक्सल का मेन लेंस है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 का डेप और 2 का मैक्रो लेंस है, बैक पर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, फ्रंट पर वाटर डॉप अप्रोच है, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी फ्रंट पे दी गई है। इसके अलावा बात करें तो 6.5 इंच का एक IPS LCD पैनल, HD+ रेजोल्यूशन वाला बड़ा डिस्प्ले आपको दिया गया है। इसके अलावा 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, फास्ट चार्जिंग नहीं है, अगर फास्ट चार्जिंग भी होती तो और अच्छा होता है, लेकिन भाई जो 5000mAh की बैटरी है तो आपका जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई परफॉर्मेंस कमाल है, इसमें स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर है 11nm वाला, जो कि भाई परफॉर्मेंस आपको बहुत ही कमाल की देगा, गेमिंग भी आप इसमें इजीली कर सकेंगे, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, सोशलाइजेशन, जो भी आपका टास्क होंगे, अच्छी परफॉर्मेंस आपको ओप्पो A5 2020 देगा। अगर आपका बजट 26,000-27,000 के अराउंड अबाउट है तो आप ओप्पो A5 2020 के साथ जा सकते हैं। तो ये थे कुछ टॉप 5 ओप्पो के स्मार्टफोन जो कि 20,000-30,000 रुपए की प्राइस में आते हैं। अब दोस्तों यही कुछ स्मार्टफोन है जो कि 20,000-30,000 रुपए की प्राइस में ओप्पो के आते हैं। अब ओप्पो इतना ज़्यादा बजट रेंज में काम नहीं कर रहा, और भी एक दो स्मार्टफोन थे लेकिन वो जो है वो काफ़ी कम स्पेसिफिकेशन, उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन यही कुछ 5 डिवाइसेज हैं जो कि 20,000-30,000 रुपए की प्राइस में आज की डेट
रेट में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल हैं। इनमें से कोई भी अगर आप ओप्पो का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, अब इसके अलावा बात करें तो और कंपनीज आपको इन प्राइस में अच्छे स्पेसिफिकेशन दें, लेकिन भाई अगर आप ओप्पो के लवर्स हैं तो आप इनमें से कोई एक ओप्पो का स्मार्टफोन चूज कर सकते हैं। इनमें से कौन सा स्मार्टफोन आपका फेवरेट है, आप कौन सा यूज कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में जरूर से दीजिएगा। ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर से प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।